ओहो, एक फोर्ड इको स्पोर्ट, एक और फोर्ड इको स्पोर्ट। अभी हम अपन बात करते हैं, चल के देख सकते हैं यहाँ कितनी एम्प्टी खड़ी है ये। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज मैं फिर से निकल गया हूँ अपनी एमटी लेके, क्योंकि अपनी एमटी का हो गया था एक्सीडेंट। तो इसके मैंने कुछ पार्ट्स के ऑर्डर दिए थे यमहा डीलरशिप है नौकार मोटर्स नागपुर में। पार्ट्स का पता करना है, पार्ट्स का पता करने के बाद थोड़ा सा SBI बैंक जाना है, क्योंकि CDM मशीन से मैंने पैसे डाले थे तो उसमें से जो 200 की 3 नोटें थे उनको बैंक बोल दिया वेरिफिकेशन करने के लिए। तो लगभग ये 1 हफ्ते हो गए हैं अभी मेरे अकाउंट में आया नहीं, तो उसका भी जाके पता करना है क्या कि रो 3 नोट जो CDM मशीन में फंसे वो मेरे अकाउंट में दोबारा क्रेडिट क्यों नहीं हुए। तो अभी मैं हूँ लोकमान नगर, देख सकते हैं लोकमान नगर का ये मेट्रो स्टेशन है और यहाँ से अपने को राइट जाना। भाई साहब, यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है और यहाँ पे हमारे पुलिस अंकल भी बहुत रहते हैं, लेकिन आज के दिन नहीं है। तो चलिए चलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। अभी मैंने नया नया माइक लिया है सोनी का ECM LV1, और उससे मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब उसको अपने हेलमेट में लगाया हूँ, GoPro के साथ कनेक्ट किया हूँ। तो देखता हूँ इसकी वॉइस क्वालिटी कैसे आती है। और मैं माइक रखा था माउनो का, लेकिन वो बहुत जल्दी ख़राब हो गया। 300-400 रुपये को मिलता है, ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, तो उसकी वजह से वो दिक्कत कर गया। बाकी अपनी MT तो इतनी ज़बरदस्त चल रही है कि क्या ही बताएं यार, मज़ा आ जाता है चला के। तो GoPro की मैंने थोड़ा सेटिंग भी चेंज किया है और देखता हूँ फुटेज कैसी आती है। बहुत स्मूथ चलती है अपनी MT, बहुत स्मूथ। और देख सकते हैं टोटल 18,765 किलोमीटर चल चुकी है 11 महीने में। और यहाँ पे चेक इंजन लाइट भी शो कर रही है, क्योंकि इसका एक बार फैन नहीं चल रहा था तो रेडिएटर का जो कपलर है उसको मैंने निकाला तो फिर फैन चालू हो गया। तो मतलब मैं चेक कर रहा था, लेकिन चेक करते ही इसमें चेक लाइट आ जाती है बहुत जल्दी। और ये सामने अपने को दिखा बंसीनगर मेट्रो स्टेशन और इसी के नीचे है बॉइन साहब। तो अगर कोई मान के चलिए इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौकीन है तो यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे दो दो वाइन शॉप है, जैसे किंग्स वाइन है, शीतल वाइन, दो वाइन शॉप है। और यहीं पे AM सिनेमा भी है, एक मूवी एनिमल मूवी बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं, तो अपने को लग रहा है कि अपन भी देखें, मौका मिलते ही देखेंगे। बाकी ये बाइक ऐसे भागती है गोली की रफ्तार से, फिर अपना एक्सीडेंट करवा के ही मानती है। तो यही दिक्कत है, 5-6 बार मेरा इससे एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उतना मेजर भी नहीं, पहली बार मेजर तरीके से हुआ था, मतलब मेजर एक्सीडेंट पहली बार हुआ था और एक बार और मेजर ही हुआ था, लेकिन अभी तक मतलब उसके बाद अभी ज़्यादा कोई मेजर हुआ नहीं है। क्या है, इसके टायर्स वायर्स बहुत चिकने हैं, ब्रेकिंग है अच्छी ज़बरदस्त है, लेकिन ब्रेकिंग के मामले में मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इसमें दिक्कत है। बाइक में दिक्कत ये है कि ये बाइक बहुत जल्दी स्किड कर जाती है। तो अभी मैं ऐसी जगह में पहुंच गया हूं जहां पे मैं अपनी कार का काम करवाता हूं, टाटा विस्टा का, श्री बालाजी ऑटोमोबाइल्स AT पॉइंट के पहले पड़ता है। मतलब कार क्या है, मेरी डेली चलती है ना, इस वजह से वो मेरे को रोज़ मिल नहीं पाती है। तो आज मैं सोचा मोटो ब्लॉगिंग ही कर लेता हूँ। और भाई साहब, मोटो ब्लॉगिंग इतना ख़तरनाक काम है ना, मोटो ब्लॉगिंग आसान नहीं है। अगर कोई कर रहा है ना तो उसको आप क्या बताएं, सैल्यूट है भैया। और कुछ आप कर सकते हैं, कार के भीतर बैठ के बोल सकते हैं, लेकिन मोटो ब्लॉगिंग में आपको पता नहीं चलता ना। अब जैसे मैं अंदाज से तो बोल रहा हूँ कि मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही होगी या तो फिर GoPro चालू होगा, लेकिन पता नहीं चालू है कि नहीं चालू है, ये सब चीज़ मैं केवल अंदाजे से बात कर रहा हूँ। और कार ब्लॉग करना आसान होता है भैया, लेकिन ये मोटो ब्लॉग बहुत ही मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात, अभी जो एक्सीडेंट हुआ था मेरी AMT का, तो इसके साइड मिरर भी टूट गए थे, तो थोड़ा साइड वाइड देखने में दिक्कत होती है। इसको भी क्या है, इंश्योरेंस क्लेम में अपन बनवा लेंगे। अभी मैं क्लेम ही किया हूँ इसी वजह से मैं इसकी वीडियो शूट कर रहा हूँ, अगर नॉर्मल मैं रिपेयर करवाता तो फिर वीडियो नहीं शूट करता। तो क्लेम में क्या है, जैसे एक साल में हम कितने बार क्लेम ले सकते हैं, तो मेरा ये सेकंड है, सेकंड। और 28 दिसंबर को मेरा जो इंश्योरेंस है 0 DAP 1 ईयर वाला, वो ख़त्म हो जाएगा और फिर थर्ड पार्टी बचेगा, तो उसको फिर से रिन्यू करवाना है। 14-15 हज़ार का भी वो आता है एस्टिमेट, तो मेरे लिए तो बहुत है, इसीलिए मैं इंश्योरेंस से करवाना चाहता हूँ। तो मैं मुड़ चुका हूँ प्रताप नगर की ओर, इसी साइड है स्टेट बैंक का CDM मशीन जहाँ पे अपने पैसे फंसे थे। और SBI बैंक इतना बड़ा है, इसके बावजूद वो मतलब जल्दी एक्शन नहीं लिया, 1 हफ्ते हो गए अभी तक वो पैसा रिफंड नहीं आया, क्या दिक्कत है। सोचिए दोबारा जाना पड़ रहा है, अब बहुत से लोग सोचेंगे 600 रुपए के लिए इतना टाइम बर्बाद, तो अब 600 की बात नहीं है यार, मतलब भरोसा उठ गया CDM मशीन से। तो अभी तो SBI का लंच टाइम हो गया होगा, तो वहाँ जाना बेकार है। उससे पहले मैं थोड़ा सा यमहा एजेंसी चला जाता हूँ और पता कर लेता हूँ कि सर क्या है पार्ट्स का इसके, क्योंकि उन्होंने मेरे से बोला कि जल्दी ही आ जाएंगे। अब देखते हैं, ज़्यादा बॉडी पार्ट्स नहीं है, ये थोड़ा सा ये पैनल है, एक छोटा सा और पैनल है, और बाकी पार्ट तो ये रखते ही होंगे, जैसे मेन इसका T और हैंडल।
और ये स्विच ये ऐसे स्लिप मार रहा है, तो जब क्लेम में जा ही रहा है तो सब कुछ बदल जाए ना। तो यामाहा शोरूम बस मैं पहुंचने ही वाला हूं और देखता हूं कहां पे है ये। लगता है थोड़ा सा मैं गड़बड़ी कर गया, यामाहा शोरूम से आगे आ गया, ऐसा कैसे हो सकता है। और यहाँ पर रेड सिग्नल है, तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मैं स्टेट बैंक ही चला जाता हूँ। तो अभी मैं SBI बैंक के सामने खड़ा हूँ और देख सकते हैं ये दीनदयाल नगर शाखा है नागपुर में। और ये पर्ची मैं ले के आया था कि मेरे पैसे क्यों नहीं आए, तो यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोगों को लग रहा होगा मैं ऐसे ही बोल रहा था। तो यहाँ पर 200 के 3 नोट जो हैं रिटेंड फॉर वेरिफिकेशन के लिए थे। लेकिन मैं जब इस बैंक में आया तो मैं सोचा एक बार क्यों ना अपना अकाउंट चेक कर लेता हूं। तो अकाउंट चेक किया तो उसमें क्रेडिट हो चुके थे पैसे, मैं अंदर जाना भी नहीं पड़ा मेरे को। कि जो CDM मशीन होती है जिससे हम कैश डिपॉजिट करते हैं अकाउंट में और बस पैसे डाल दो तो अकाउंट में चले जाते हैं, अंदर नहीं जाना पड़ता है, ATM के थ्रू होता है, CDM मशीन उसको बोलते हैं। तो कभी कभी जो नोट्स मतलब ख़राब रहती है जिसमें ऑयल लगा रहता है तो थोड़ा सा उनको वेरिफिकेशन के लिए रिटर्न कर देता है। लेकिन ये पैसे जो आए हैं कम से कम 7 से 8 दिन बाद आए हैं, इस वजह से मैं थोड़ा घबरा गया था। स्टार्ट हो जाओ, तो अब अपना नेक्स्ट काम है या वहाँ शोरूम पे जाना। बहुत हाई स्पीड से चलाते हैं, इतना हाई स्पीड तो मैं नहीं चलाता सर। ये बूम बूम बूम, हाँ यार यामाहा क्या मशीन बनाती है यार, इतना जोरदार पिकअप यार, मज़ा आ जाता है। मैं लिया था 11 महीने पहले तो मेरे को 2 लाख रुपए की पड़ी थी और अभी तो ये 2 लाख 10 हज़ार के समथिंग है। और R15 का तो बात ही छोड़िए इतनी महंगी देते हैं यामाहा वाले, फिर इनकी सर्विस जोरदार महंगी। पार्ट्स की बात करूं तो इतने महंगे पार्ट हैं आप सोच नहीं सकते हैं। तो यामाहा की बाइक लेने से पहले आप थोड़ा सा जाके इसके सर्विस सेंटर में और इसके सर्विस कॉस्ट पता करिएगा, इसके बाद लीजिएगा, क्योंकि बहुत महंगी सर्विस है। नॉर्मल सर्विस इसकी 1500 रुपये की होती है, मतलब 1500 रुपये की, तो आप समझ सकते हैं कितनी महंगी सर्विस है। 2-3 बार मैं आ चुका है यामाहा शोरूम लेकिन भूल जाता हूँ मैं बार बार, तो अब आगे से यूटर्न लेके आना पड़ेगा मेरे को। अरे नहीं भैया नहीं, यामाहा यहीं पे है, है? अरे नहीं है, 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 है। तो ये देख सकते हैं यामाहा कॉल ऑफ द ब्लू स्क्वायर नौकार मोटर, और दनादन बाइकें मंगा रहे हैं क्योंकि इससे पहले नागपुर में जो शोरूम था ताज श्री था तो वो बंद हो गया और ये नया नया खुला है। अभी हम अपन बात करते हैं, चल के देख सकते हैं यहाँ कितनी MT खड़ी है। ये मॉनेस्टर एडिशन वाली MT खड़ी है, तो ये तो मस्त धांसू लग रही है यार, थोड़ा सा इसको देख ही लें। इसके फ्रंट मडगार्ड में भी देख सकते हैं यामाहा मॉनेस्टर का लोगो है और साइड में भी थोड़ा बहुत चेंजेस है। ये तो ज़ोरदार लग रही है यार भैया, ज़ोरदार। और इसमें LED इंडिकेटर भी है, ये नया वाला वर्जन है, वर्जन 3। तो अभी अपन जाते हैं पता करते हैं पार्ट का। तो आ गए हैं देख सकते हैं यहाँ पार्ट वाले सेक्शन में, पार्ट ऑर्डर किए थे। MT-15 मॉनेस्टर ये जो खड़ी है, अतुल कुमार सोनी के नाम से था। अभी मैं आपको बताता हूँ जो अपनी गाड़ी का पार्ट आने में टाइम लग रहा है वो 15 दिसंबर तक आ जाएगा, और 15 दिसंबर के बाद अपनी बाइक का मैं क्लेम रजिस्टर करूँगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये R15 भी है मॉनेस्टर, यहाँ पे है MT-15 अपना वाला मॉडल जो एक नंबर लग रहा है देखने पे है। अब चलिए अपना नेक्स्ट काम करवाते हैं, इसका लो यूट्यूब नेम चेंज करवाते हैं। 2 काम हो गया अपना और सक्सेसफुली, मतलब आज 12 तारीख है और 15 दिसंबर तक उन्होंने बोला है कि आ जाएगा। तो अभी अपन निकलते हैं यहाँ से। अय है कितना मज़ा आता है भैया इस MT को चलाने में, अम्मा जी अम्मा जी। तो अभी नागपुर के लोग दनादन इतनी मतलब बाइक खरीद रहे हैं R15 MT। जब मैं लेके आया था ना तो मैं पूरा नागपुर छान मारा, मेरे को इसका शोरूम नहीं मिला। मैं कहा अब इसकी सर्विस कैसे कराऊंगा, इसका कुछ भी पार्ट्स कैसे लूंगा, मतलब सोच सोच के परेशान था मैं। इसको लाए हुए मेरे को यहाँ कम से कम 3 महीने हो गए, फिर ये मेरे को दिखा एक दिन ये बोर्ड जो सामने दिख रहा ना नवकार मोटर का, जस्ट खुला है। इसके पहले वाले पता नहीं क्यों बंद हो गए, कोई ना कोई तो दिक्कत रही होगी जिस वजह से बंद हुए हैं। मतलब हो सकता है सर्विस उनका अच्छा ना रहा हो, शोरूम मैनेजमेंट बेकार रहा हो, जिस वजह से वो बंद हो गया। अभी ये नवकार मोटर क्या है, अभी अच्छी अच्छी बाइकें आ गई हैं वहाँ की, थोड़ा सा प्राइस ज़रूर हाई है, सर्विस कॉस्ट हाई है, पार्ट्स हाई हैं, पार्ट्स प्राइस हाई हैं, लेकिन हो गया, लोगों को पसंद आ रही, यूथ को इनकी बाइकें। तो अभी ये शोरूम चल पड़ेगा, इसके पहले जो मतलब बाइक आती थी सलूटो फलूटो
क्या क्या फालतू की बाइकें आती थी जो मतलब उतना नहीं चल पाई मार्केट में, इस वजह से शायद यामाहा यहाँ बंद हो गई, मतलब जो ताजश्री वाला था। अब ये वाली तो चलेगी, कभी नहीं बंद होगी ये, क्योंकि ये बहुत ही मतलब बड़े लेवल पे स्टार्ट हुआ है शोरूम, तो इतना जल्दी ये बंद होने वाला नहीं है। थोड़ा सा बाइक जाम जाम चलती है, जबकि मैं इसकी सर्विस करवाया था 16,500 किलोमीटर पे, 17 पे होनी थी तो 500 पहले ही करवा लिया था, 16,600 पे करवाया था और अभी चली है 18,722, मतलब बहुत चल गई, 2000 किलोमीटर से ऊपर चल गई, 2,2100 किलोमीटर, 4000 कंपनी बोलती है और मैं बोलता हूँ 3000 किलोमीटर पे इसकी सर्विस कराना चाहिए, ताकि ऑयल बर्न भी ना हो और अपनी बाइक का जो इंजन है बढ़िया एकदम हेल्दी रहे। और एक बहुत बड़ी समस्या अपनी एमटी में आ गई थी, अभी साल भर की नहीं हुई है, मैं घर चला गया था एक महीने के लिए और वहाँ से जब आया कि बैटरी डेड, अब बैटरी चार्ज होने का नाम ही नहीं ले रही थी, मतलब इतना बाइक चलाया, इतना चलाया, फिर एक दिन खूब चलाया, जब खूब चलाया तो फिर इसकी बैटरी चार्ज हो गई और अभी तो बढ़िया चल रही है, बढ़िया स्टार्ट हो जाती है, सब कुछ बढ़िया है। नहीं तो मैं सोच रहा था एक और झमेला मतलब बैटरी क्लेम करने का, क्योंकि बैटरी की वारंटी 4 साल रहती है। देख सकते हैं सामने बोर्ड आ चुका है हिंगणा MIDC, तो मैं जाऊँगा हिंगणा, लेफ्ट का दे देता हूँ मैं इंडिकेटर, और इंडिकेटर देते ही दन 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 ये YouTube का लोगो रहन देना है, बस ऑल एक्सप्लोर लिखना है। हाँ तो देख सकते हैं इनकी दुकानों में क्या क्या सामान मिलता है, इंडिकेटर वगैरह तो शानदार दिख रहे हैं यार। अरे चाइनीज है, चाइनीज फैसल भाई का कहना था कि हमको भी वीडियो में ले लो, तो हम भी लेने लग गए उनको वीडियो में। शुक्र है भैया, सफर पिक्चर का नहीं बोला सफर भैया। तो अभी आप देख सकते हैं एकदम कंप्लीट हो चुका है, अपना जो चैनल का नेम है वो लिख गया ऑल एक्सप्लोर, लेकिन यार ये थोड़ा सा ढंग का, अब देखते देखते ढंग का दिखेगा, ALLXPLORE पैसे 100। अजल भैया को 100 रुपये दिया मैं ये लिखवाने का, तो पहले वाला तो बढ़िया दिख रहा था लेकिन अभी इसको देखते देखते अच्छा लगेगा। अब तो YouTube चैनल का नाम भी लिख गया, अबे बूम 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 बूम। बाइक भगाने में तो बहुत मज़ा आता है लेकिन कंट्रोलिंग उतनी बढ़िया नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा मज़ा कम आता है। क्या होता है कि फिर बाइक स्किड कर जाती है, और MT की ये तो खूबी है स्किड कर जाना। चलते हैं बालाजी ऑटोमोबाइल्स के पास, अभी देखते हैं वो कहाँ है, इस समय कितनी गाड़ियों का काम कर रहे हैं, क्या है कैसा है वो सब अभी पता चलेगा। अपने को कूलेंट लेना था क्योंकि अपनी टाटा विस्टा का कूलेंट थोड़ा सा गिर गया था किसी कारण बस, और रे बाप रे इस समय तो ये धुआं दे रहे हैं इतनी भयानक इनके इधर। ओहो एक फोर्ड इको स्पोर्ट, एक और फोर्ड इको स्पोर्ट, इस समय तो इको स्पोर्ट्स के माहिर हो चुके हैं और स्कूल बस का काम चल ही रहा है। अपनी कार में काम करवाना है थोड़ा बहुत, तो आप लोगों के लिए वीडियो भी आएगी इन्फॉर्मेटिव। तो जैसा कि मैं बोल रहा था इसकी बैटरी प्रॉब्लम दे रही है, तो लगभग अगर एक मिनट ही चाबी चालू करके छोड़ दीजिए इसकी बैटरी उतर जाती है, मतलब दिक्कत दे रही है बहुत ज़्यादा। 1 साल भी अभी नहीं हुए हैं और कैसी बैटरी लगा के दे रहे हैं कंपनी वाले पता नहीं, कि बताइए एक एक मतलब एक एक साल में बैटरी ख़त्म हो रही है यामाहा, और इतना महंगा मतलब सामान है, हर चीज़ इतना महंगा है। तो अभी देख सकते हैं मैं ये लता मंगेशकर हॉस्पिटल वाली रोड पे आ गया हूँ, तो ये रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बाकी रोड एक नंबर बनी है, रोड में कोई कमी नहीं है, बस थोड़ा सा नहीं बनी है। और यहाँ पे रायसोनी कॉलेज के पास मैं रहता हूँ, ऐसा लग रहा है अभी छुट्टी हुई है, इतनी भयानक भीड़। रायसोनी कॉलेज इसी साइड है और लता मंगेशकर हॉस्पिटल भी है ऊपर, तो इधर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है इस टाइम पे, सुबह टाइम पे, जबकि रोड देख सकते हैं कितनी चौड़ी बन गई है, पहले बहुत संकरी रोड थी, अभी तो इधर नागपुर का एकदम फुल डेवलपमेंट है, हिंगणा तहसील में आता है। तो ये ब्लॉग अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो अभी मैंने नाम लिखवाया ऑल एक्सप्लोर, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।